गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और वेलकम बैक टू मैं न्यू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये रही अपनी स्कूटर जो कि अभी फुल्ली रेडी है अपनी राइड के लिए। हमने ऑल इंडिया राइड जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो है हमारा फ्लैग ऑफ है और मैं यहाँ पे फुल्ली रेडी हो चुका हूँ। 6 o'clock का जो है हमारा फ्लैग ऑफ का, लेकिन अभी जो है 6:20 हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, तो यहाँ से अभी जो है निकल रहे हैं विधाना सौदा के लिए। वहाँ पे जो है इंडियन बैंक स्कूटर की से जो है फ्लैग ऑफ होगा, और वहाँ से जो है अपनी राइड जो है ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे अपनी ऑल इंडिया राइड। तो चलो अल्लाह। तो ये है हिरयूर। यहाँ तक जो है ना फैसल भैया साथ में आए थे, उनको कुछ काम था यहाँ पे, तो यहाँ से जो है ना अपना अकेले का सफ़र होगा। और आज का प्लान जो है ना मेरा हम्पी का है, और वहाँ पे जो है ना मैं जल्दबाजी में जो है ना अपनी वीडियो की शुरुआत नहीं कर पाया सही से। एक बार कहीं पे रुक के जो है ना आपको एक बार स्कूटर दिखा दूंगा पूरा, और इसमें स्कूटर के अंदर फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है, फ्यूल भी करना है मुझे। तो एक बार मैं फुल्ली आपको जो है स्कूटर दिखा देता हूँ कि अभी कैसा लुक दिख रहा है, और राइड स्टार्ट करने के दिन, और राइड जब मैं एंड करूँगा ना तो स्कूटर का लुक जो है ना टोटली फुल्ली जो है ना चेंज होके रहेगा इंशाल्लाह। और आज का प्लान जो है ना मेरा हम्पी का है, और हम्पी जो है ना यहाँ से तकरीबन जो है ना 180 किलोमीटर से। और अभी जो ना टाइम हो रहा है, जस्ट हम नमाज़ पढ़ के जो ना अभी बाहर निकले, और अभी जो ना टाइम हो रहा है 1:51। तो यहाँ पे रुके हैं स्कूटर का फ्यूल अप करने के लिए। तो फ्यूल हमने स्कूटर के अंदर डाल दिया, और एक बार स्कूटर हम अपनी देख लीजिए। स्कूटर के अंदर जो है हमने पूरे स्टिकर्स निकाल दिया है, और यहाँ पे हमने लगाया है सिर्फ फ्रॉम शिरूर उड़पी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक ऑल इंडिया राइड, और नीचे जो है मेरा आईडी और सिंस 1992। और इस साइड भी जो है ना हमने लगा दिया है पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया हमने SM प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने लगा दिया है राइस का स्टिकर, और एक जो है ना हमने यहाँ पे गोवा का जो है ना स्टिकर हमने रख दिया। बाकी के सब स्टिकर्स निकाल दिए थे, क्योंकि इस बार जो है ना हम कुछ अलग मेमोरीज बनाना चाहते हैं अपने स्कूटर के साथ, तो इसलिए जो है ना पूरे स्टिकर्स निकाल के जो है ना हमने एक बार परफेक्टली जो है ना क्लीन करके जो है ना रखा है अभी स्कूटर। और अभी स्कूटर कुछ ऐसी दिख रही है आपको, लेकिन जब हम राइड करेंगे ना तो स्कूटर का जो है ना पूरा लुक चेंज होने वाला है इंशाल्लाह। और पीछे जो है हमने बोर्ड ये लगा दिया है, जो है हम्पी जो है ना 175 किलोमीटर से, देखते हैं आज हम्पी जा पाएंगे ना। हम्पी में जो ना है दिशान, तो वहाँ पे जाके जो ना उनके साथ आज कैंपिंग करने का प्लान है, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से जो ना अभी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी जो ना 170 किलोमीटर से, और अभी जो ना टाइम यहाँ पे हो चुका है 2:30। तो अभी जो है ना यहाँ से हम निकलते हैं, चलो ग्लव्स पहन लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस रूट से जो मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ इस रूट से। लास्ट टाइम जब मैं गोवा गया था तो तब भी जो है ना मैं इसी रूट से गया था, और शायद यहीं पे मैंने फ्यूल अप भी किया था लास्ट टाइम भी। और लास्ट ईयर जो है ना हमने May 6 को जो है ना अपनी राइड स्टार्ट किया था K2K, जब सुबह साथ में था। और इस साल जो है ना हमने 6 अगस्त को जो है ना अपने राइड जो है ना स्टार्ट किए हैं। क्या हूँ तो आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैंने यहाँ पे स्पीडोमीटर जो है ना डिजिटल स्पीडोमीटर लगाया था, लेकिन अभी मैंने उसको चेंज करके फिर से ओरिजिनल स्पीडोमीटर लगाया। लेकिन डिजिटल स्पीडोमीटर जो है ना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जो है ना 50 तक जो है ना स्पीड, अगर हम 80 पे भी जा रहे हैं ना 50 तक जो है ना स्पीड चला जाता था, उसके बाद वो लॉक हो जा रहा था। मतलब 50 के ऊपर जो है ना उसके ऊपर काउंट ही नहीं कर रहा था, कुछ स्पीडोमीटर के अंदर जो है ना उसकी दिक्कत थी। तो इसलिए जो है ना मैंने उसको निकाल दिया और मैंने ओरिजिनल स्पीडोमीटर लगा दिया, सोचा कि इसके अंदर जो है ना रीडिंग काउंट हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने केबल 2-3 बार चेंज कर दिया इसके, लेकिन फिर भी जो है ना अभी भी इसके अंदर रीडिंग काउंट नहीं हो रही। हमें जो है ना जितने हम डेली काउंट चलाएंगे ना उसी हिसाब से जो है ना अभी मुझे किलोमीटर जो है ना काउंट करना पड़ेगा।
जैसे मैंने लास्ट कन्याकुमारी टू कश्मीर राइड को मैंने किया था, जितना ट्रैवल करते थे ना डे के अंदर उतना जो ना किलोमीटर लिख लेते थे, और जो लोकल घूमते थे ना उसका कोई हमें काउंट नहीं मिल रहा था इसका। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टर्बाइन लगे हुए, और इसके ऊपर जो ना पहाड़ के ऊपर ग्रीनरी है ना बहुत ही बढ़िया लुक देती है। यहाँ से दूर तक जो है ना देखोगे ना वहाँ पे भी तक जो ना टर्बाइन लगे हुए हैं यहाँ पे। और लेकिन आई थिंक ये बीच वाला जो है ना ख़राब हुआ है, चल नहीं रहा है, बाकी के सब चल रहे हैं। अभी जाना मुझे यहाँ से, यह है तुंगा भद्रा रिवर। तो इस रिवर को देखते ही जो है ना मुझे लगा ये कहाँ भाई समंदर यहाँ पे आ गया, तो मैंने डायरेक्टली जो है ना मैप ओपन करके देखा कि यहाँ पे समंदर कैसा आता है, तो फिर उसमें वहाँ पे लिखा हुआ था तुंगा भद्रा रिवर। और देखने में ना ये रिवर बहुत ही बड़ी है, और यहाँ पे जो है ना हवा चल रही है ना तो वेव्स बन रही है इसके अंदर, और सब लोग जो है यहाँ पे रुक के जो है ना उसको देख रहे हैं। स्कूटर और सामने बैठे जिशान भाई। तो आज ना वीडियो का जो है ना दूसरा दिन है, कल का हमारा प्लान था कि हम हम्पी जाके जो है ना हम्पी के अंदर कैंपिंग करेंगे, लेकिन कल कर नहीं पा रहे। जिशान के यहाँ पे जो है ना साथ जो है ना हॉस्पिटल में ही रुके, और वो जो है ना कुछ हम्पी राइडर्स थे यहाँ के, उनसे जो है ना मिला रहा था और उनसे बातें करके जो है ना कल रात हो गई, तो वीडियो को एंड नहीं कर पाया। तो आज जो है ना हम सेकेंड डे, और कल जो है ना हमने 340 किलोमीटर्स कवर किया था बैंगलोर से जो ना हॉस्पिटल, और आज का जो ना हमारा प्लान है कि हम पे एक्सप्लोर करेंगे। तो आज एक नए दिन के साथ जो है ना नए वीडियो को शुरू करते, तो इस वीडियो को यही पे एंड करते। अगर वीडियो यहाँ तक देखा ना तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी बढ़िया ऐसी वीडियो के।